फाइनल में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। पापा ये भी बोले अगर फाइनल में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो भूल जाओ तुम यूट्यूब और जिम भी भूल जाओ। तो ये दोनों तो भूल नहीं सकते, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कल से नहीं पढ़ा तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है आज का। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई नो शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जिम जा रहा हूँ। तब से दिन भर कुछ भी नहीं किया, घर में बैठा हुआ था निठल्ला के जैसा एज यूजुअल। पापा बहुत डांटे, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, सिर्फ यूट्यूब जिम। क्या क्या पापा बोले वो बाद में मैं बताऊंगा। खैर छोड़ो, अभी जिम जाते हैं, मम्मी को फिर हमको बाजार भी लेके जाना, बाजार में बहुत कुछ खरीदना है। पापा लोग के लिए मच्छरदानी खरीदना है और मम्मी को कपड़ा खरीदना है, फिर आज का कपड़ा खरीदना है और भी बहुत कुछ है। तो फटाफट जिम करते हैं। मम्मी बोली तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा में जो करना करना, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। हे भगवान, हम लोग का प्रॉब्लम्स हम ही लोग समझ सकते हैं, आई मीन मेरा एज का आदमी लोग। गाइज आज भी एज यूजल हम ही जिम खोलेंगे। लगता रोज का रूटीन हो गया मेरा आना जिम खोलना, मतलब कोई आ ही नहीं रहा है। सबको लगता है ना, सबका लगता है अच्छा खासा बॉडी बन चुका है, इसलिए कोई आने का किसी का मन ही नहीं। खैर छोड़ो, हम फटाफट एक्सरसाइज करते हैं और करके एक घंटा में कोशिश करते हैं ख़त्म करने का, नहीं होगा तो भी जाना ही पड़ेगा। खैर वो देखो वहाँ पे कौआ कौन एंगल में लटका हुआ है, पतला सा एक क्या है उसके ऊपर खड़ा है। यहाँ से व्यू अच्छा आता है लेकिन यहाँ पे कचरा देख के थोड़ा मन खराब हो जाता है। तो गाइज वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब हम घर निकल रहे हैं, मम्मी को बाजार लेके जाना है। तो मम्मी वैसे हमको बोली थी कि जल्दी आ जाने, लेकिन हम आधा घंटा पूरा लेट हैं। तो गाइज हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, मम्मी का इंतजार हो रहा है, मम्मी आएगी बैठेगी तब हम जाएंगे। बहुत कुछ लेना है, पता नहीं कितना समय लगेगा कितना समय नहीं लगेगा, और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। हम जैसी आए मम्मी बोली नहाना नहीं होगा, मुँह हाथ धो और चलो, लेकिन हम सेम वही ड्रेस पैंट पहने हुए, गंजी पहने, सेम जो पहने तो वही, नहाए भी नहीं। बोली अभी मत नहाओ, ऐसे भी ठंडा ज़्यादा। वेल अभी राज को हम बोले, वो मेरे लिए ग्लव्स लेके आ रहा है क्योंकि स्कूटी चलाएंगे ना इसके वजह से। 1 जनवरी के बाद है ना, मतलब आज 2 जनवरी है, तो आज से ना ठंडा थोड़ा बढ़ाया, बोल सकते लिटिल बिट बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ा है। वेल मार्केट से आ चुके हैं, सब कुछ खरीदना हो चुका है, अब हम बताते हैं कि पापा क्या बताए, तो उठ के बताते हैं। तो गाइज अब मैं बताने वाला हूँ कि पापा क्या क्या बोले, और हाँ ये मेरे लिए ही बोले पापा। पापा एकदम ठीक है, हमको भी रियलाइज हुआ कि हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। पहला रीजन कि हम मेरा माइंड हर समय जिम के तरफ रहता है और यूट्यूब में वीडियो बनाने के, मीन व्लॉग बनाने के चक्कर में रहता है, तो उसके चक्कर में बहुत कुछ मिस हो जाता है और खासकर इंस्टाग्राम। इसके वजह से हम इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया अंटिल एंड अनलेस मेरा फाइनल एग्जाम ना खत्म हो जाए। और हाँ पापा ये भी बोल चुके हैं कि अगर हमको कल से तुम नहीं दिखा पड़ते हुए तो ये आज का तुम्हारा आखिरी व्लॉग होगा। अकॉर्डिंग टू पापा अगर मैं कल से नहीं पढ़ा तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है आज का। खैर मेरा ही गलती है, जो भी हुआ है हम ही को ठीक करना, हम ठीक एकदम कर लेंगे। अब पापा हमको ये भी बोले अगर तुम पढ़ो व्लॉगिंग करो, हम तुमको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ते वक्त व्लॉगिंग करो। तुम व्लॉग में पढ़ते हुए दिखता ही नहीं है हमको, हम हर दिन तुम्हारा व्लॉग देखते हैं, तुम व्लॉग में पढ़ते हुए नहीं दिखता। और हाँ पापा को बहुत सारे रिलेटिव्स लोग फ़ोन किए थे, आपका बेटा क्या कर रहा है, यूट्यूब सिर्फ ही करता है, वीडियो देखते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। इसके वजह से पापा कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है और आज पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतरा। तो कल से पढ़ाई एकदम, इस बार फाइनल में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। पापा ये भी बोले अगर फाइनल में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो भूल जाओ तुम यूट्यूब और जिम भी भूल जाओ। तो ये दोनों तो भूल नहीं सकते, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। हमको अपने ऊपर इतना विश्वास है अगर मैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट किया तो फाइनल का रिजल्ट बड़ा मस्त आने वाला है, इतना हमको पता है। अगर हम फोन छोड़ के अगर पढ़ाई करने एकदम स्टार्ट कर दिए क्या, वैसे हमको सब कुछ आता है लेकिन यही है कि थोड़ा उसको स्ट्रांगली मजबूत पकड़ होता है ना, वो पकड़ने मेरा लूज पकड़ है, काम चलाओ है,
उसको मजबूत करना होगा और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ आता। तो पढ़ाई स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट कल से। वैसे हम कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। तो गाइज अब व्लॉग एंड करते हैं, अब हमको भी मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का, मतलब और क्या ही बनाए, खाना है, खाना खा के एडिट करना और सोना है, बस और कुछ नहीं। तो आज का व्लॉग में ये एंड करता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे पापा हमको बहुत ज्यादा डांटे हैं, क्या क्या डांटे हैं, किस लिए डांटे, मेरा बेनिफिट की वजह से ही डांटे हैं, इसीलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, इसीलिए कल से पढ़ाई स्टार्ट। और हाँ, इस बार फाइनल में अच्छा मार्क्स लाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब में। इस बार तो मतलब जितना भी टर्म हुआ है अभी तक, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में, मतलब बस एक रात पहले पढ़ के पास हो गए, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पापा बोले अगर इस बार अच्छा नहीं आया तो यूट्यूब डिलीट कर देंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।